नमस्ते सस्काल केंचो कसकाय वडकम वेलकम बैक टू आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए क्योंकि हमारी सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुँचते रहे। आपने हमारे चैनल पर आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे कि लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है और आपको जॉब वैकेंसी और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में हमने अलग से कॉलम बनाई है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, टॉप कॉलेजेस, काउंसलिंग प्रोसेस, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो आप देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, हम हमारे चैनल पर नई नई जॉब वैकेंसी डालते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और देखते रहिए आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बात करके नीट पीजी एससी ऑर्डर द स्टेटस क्यू ऑन मोपअप राउंड काउंसलिंग आस्क द डीजीएससी टू क्लेरिफाई ऑन 146.6। सारी इन्फॉर्मेशन देखिए डिटेल में देखिए, चलिए शुरू कर देता। सुप्रीम कोर्ट वेनेसडे डायरेक्ट द सेंट्रल सेंटर टू मेंटेन द स्टेट क्यू टिल थर्सडे इन अ मोपअप राउंड ऑफ नीट पीजी 2021-22 काउंसलिंग एंड आस्क द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस टू रिकंसिडर द इशू इंक्लूडिंग द डिसीजन ऑफ एडिंग द 146 न्यू सीट। द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस 146 वेर नॉट अवेलेबल टू कैंडिडेट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ द काउंसलिंग एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस सीट। बेंच हेड बाय द जस्टिस डीवाई चंद्रचंद सेड दैट द सीट हैव बीन अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स वेर आर लोअर इन द मेरिट then those who have were allotted seat in round 1 and the 2 of the counseling. The benches also comprised the Justice Suryakant and the Bela M. Trivedi said the this is one of the except which need to revisit by the DGSC. The top court is revised by the DGSC. The top court is hearing the petition filed by the group of directors seeking in the participant in the mop-up round of the NEET PG 21-22 counseling. During the hearing, the bench observed that the second upset was regarding the non-uniform application of the March 16 notice. In one of the petition, the petitioner held the challenge. The medical counseling committee noticed that the notice dated March 16, which restrained the participant in the mop-up round counseling if the candidate has already picked up the seat in a state quota. Okay, so let's go. Please, my channel को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।